एक छोटी सी घटना से आपको समझाऊं। विवेकानंद के पिता मर गए, कर्ज छोड़ गए बहुत, चुकाने का कोई उपाय नहीं, खाने पीने तक की सुविधा नहीं, घर में इतना मुश्किल से जुटा पाते कि एक बार एक जन का भोजन हो पाए, और दो थे घर में, मां थी और विवेकानंद थे, तो मां उन्हें खिला दे और खुद भूखी रह जाए पानी पी के। तो विवेकानंद उससे कहते कि आज फला मित्र के घर निमंत्रण है, मैं वहां जा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि वो खाना खा लेगी और वो सड़कों पर चक्कर लगा के वापस बड़े खुशी से घर लौटे और उन भोजन की चर्चा करें जो उन्होंने किए नहीं, कोई मित्र के घर निमंत्रण था नहीं। लेकिन ये कितने दिन चलता? रामकृष्ण को खबर लगी तो रामकृष्ण ने कहा तू कैसा पागल है, तू जा और काली से मांग ले, मांग क्यों नहीं लेता है, जो चाहिए मिल जाएगा, मांग ले। विवेकानंद को रामकृष्ण ने वस्तुतः धक्का दे दिया मंदिर में कि तू जा और मां से मांग ले। क्षण बीते, घड़ी बीती, रामकृष्ण बार बार झांक कर भीतर देखे, विवेकानंद खड़े हैं, तो बड़े हैरान हुए कि इतनी सी बात मांगनी है इतनी देर। फिर विवेकानंद लौटे तो रामकृष्ण ने कहा मांगा, तो विवेकानंद ने कहा कि अरे काली के सामने पहुंचा तो मांग की बात ही भूल गई। तो रामकृष्ण ने कहा पागल, भेजा तुझे मांगने को था, फिर से जा। विवेकानंद फिर गए और फिर घड़ी बीती और रामकृष्ण दरवाजे पर बैठे राह देखते रहे और विवेकानंद फिर वहां से आनंदित लौटे। रामकृष्ण ने कहा लगता है कि मांग पूरी हो गई, मिल गया, मांग लिया। विवेकानंद ने कहा कौन सी मांग? रामकृष्ण का तू पागल तो नहीं है, तुझे मांगने भेजा था। तो विवेकानंद का बड़ी मुश्किल मालूम होती है, जब तक मैं बाहर रहता हूं तब तक तो मांग का ख्याल रहता है, जैसे मंदिर में प्रविष्ट होता हूं और काली की मूर्ति सामने आती तो खुद ही सम्राट हो जाता हूं उनकी मौजूदगी में, मांगने की मांगने का सवाल ही नहीं उठता, गुंजाइश भी नहीं रह जाती। तीसरी बार और तीसरी बार भी यही हुआ और रामकृष्ण का कैसा है तू? विवेकानंद ने कहा कि आप क्यों मेरी नाहक परीक्षा ले रहे हैं, मैं जानता हूं कि अगर मांग लूं तो ये द्वार मेरे लिए सदा के बंद हो जाएंगे। ये द्वार तो उन्हीं के लिए खुले जो मांगते नहीं, और फिर जो उसकी मर्जी, जो ठीक है वही हो रहा है, जो होना चाहिए वही हो रहा है, उससे अन्यथा चाहने का कोई कारण भी नहीं। कृष्ण इस सूत्र में कहते हैं कि बिना मांगे, बिना मांगे यज्ञ की भांति जो जीवन को जीता, यज्ञ रूपी कर्म में जो प्रविष्ट होता, दिव्य शक्तियां उसे बिना मांगे सब दे जाती, लेकिन हमें अपने पर भरोसा ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खतरनाक भरोसा है। या तो हम कोशिश करते हैं पाले, तब हमारा कर्म यज्ञ रूपी नहीं हो पाता, और या फिर हम मांगते हैं कि मिल जाए, तब आकांक्षा से दूषित हो जाता है और दिव्य शक्तियों से हमारे संबंध टूट जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, जो प्रार्थना भी मांग के साथ जुड़ी है वो प्रार्थना नहीं रह जाती। जिस प्रार्थना में भी रंच मात्र मांग है वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं रह गई। जो प्रार्थना निष्प्रह निपट प्रार्थना है, जिसमें कोई मांग नहीं सिर्फ धन्यवाद है, उसका जो मिला है, उसकी मांग नहीं जो मिलना चाहिए। इसलिए ठीक प्रार्थना सदा ही धन्यवाद होती है और गलत प्रार्थना सदा ही मांग होती है। मंदिर में ठीक आदमी वही है प्रार्थना करने गया जो धन्यवाद देने गया है कि परमात्मा कितना दिया है, गलत आदमी वो है जो मांगने गया है कि फलां चीज नहीं दी, फलां चीज नहीं दी, ये और मिलनी चाहिए। मांग प्रार्थना में जहर हो जाती, धन्यवाद प्रार्थना में अमृत बन जाता है। यज्ञ रूपी कर्म
धन्यवाद पूर्वक परमात्मा जो कर रहा है जो करा रहा है उसकी परम स्वीकृति है, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी है। और तब बड़े रहस्य की बात है कि सब मिल जाता है, जिसे मांग मांग के भी कभी नहीं पाया था वो बिन मांगे मिल जाता है। ये तो पहला हिस्सा है। प्रार्थना करते समय ख्याल में रखें, मंदिर में प्रवेश करते समय ख्याल में रखें, साधु संत के पास जाते समय ख्याल में रखें, और ये भी ख्याल में रखें कि जो साधु संत प्रलोभन देता हो कि आओ मैं ये दे दूंगा, वहां भूल के मत जाना, क्योंकि वहां प्रार्थना घटित ही नहीं हो सकती, वहां प्रार्थना असंभव है। और चूंकि लोग मांगते हैं इसलिए साधु देने वाले पैदा हो गए हैं, वो आपने पैदा किए। आप नौकरी मांगते हैं तो नौकरी देने वाले साधु हैं, धन मांगते हैं तो धन देने वाले साधु हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं तो स्वास्थ्य देने वाले साधु हैं, राख मांगते हैं तो राख देने वाले साधु हैं, ताबीज मांगते हैं तो ताबीज देने वाले साधु हैं। जो जो बेवकूफी हम मांगते हैं उसको सप्लाई कोई तो करना चाहिए, परमात्मा नहीं करता तो दूसरे लोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, वहां धर्म का फूल कभी नहीं खिलेगा, वहां प्रार्थना प्राणों से कभी नहीं निकलेगी और गूंजेगी। बाजार है, वो भी बाजार का ही हिस्सा है, धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं। ये पहला सूत्र। इस सूत्र का दूसरा हिस्सा है जिसमें कृष्ण और भी गहरी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि यज्ञ रूपी कर्म से जो मिले उसे बांट दो, उसमें दूसरों को साझीदार बना लो। क्यों? उसे शेयर करो। क्यों? ये भी एक नियम है जीवन का, परम नियमों में से एक, कि जितना हम अपने आनंद को बांटते हैं उतना वो बढ़ता है, और जितना उसे रोकते हैं उतना सड़ता है। जितना हम अपने आनंद में दूसरों को सहभागी बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं, उतना वो आनंद गुना होता चला जाता है, और जितना हम कंजूस की तरह अपने आनंद को तिजोरी में बंद कर लेते हैं, आखिर में हम पाते हैं कि वहां सिर्फ सड़ांध और बदबू रह गई और कुछ भी नहीं बचा। आनंद का जीवन विस्तार में है, फैलाव में है।